Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sui Sanvi and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला हुआ दीवाना. वो आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी. अभी क्या है कि जिस टीम से यूएसए से जो है वो इंडियन टीम हारी थी, उसी टीम को कल रात को जो है ना बड़े ही अच्छे से बहुत ही इजीली इंडिया ने जो है वो हरा दिया. अब पूरा पाकिस्तान मजीद गुस्से और गम में आया कि यार इस टीम से तो हमारा पाकिस्तान जो है ऐसे हार गया था और जब इंडियन टीम ने उसको ऐसे करके जो है वो हरा दिया, हम लोग हारे वो लोग उससे जीत गए और उनके लिए कोई ये कोई टफ नहीं था. ठीक है, उनके लिए ये चीज बहुत ही इजी थी बिकॉज यूएसए टीम तो उनके लिए ऐसे है जैसे कल के आए हुए बच्चे हैं. वैसे तो पाकिस्तानी टीम भी अब उनके लिए ऐसे ही बन चुकी है. और बड़े वजह आज जो रौनक की पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो है ना इंडियन मीडिया लेटेस्ट किट्टू भाई की वीडियो जो है ना आप लोगों को बड़ी पसंद आती है, उसके बाद वो देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह जो है वो गुस्से में है, और पहले देखेंगे कि इंडियन अवाम आज जो रौनक किस तरह जो है वो बड़े खुशी से जो है वो ये चीज को बता रहे हैं. फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट. लेकिन पहले गाइस अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम और फेवरेट प्लेयर का नाम जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा. जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा. और चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देख रहा है विनोद, सॉरी देख रहा है पाकिस्तान अमेरिका को कैसे हराया जाता है. आइए देखते हैं मजा. नमस्कार, मैं हूँ रौनक. रणतंत्र देख रहे हैं आप. हालांकि ऐसे चौड़े में जीत का जश्न तो हमको भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त पर रवि शास्त्री साहब क्या हुआ था हमारे साथ, थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी कुएं था. जी हाँ भैया जी, अमेरिका में कुछ ज्यादा ही क्रिकेट प्रमोट नहीं हो गया है. अरे भाई, इतनी क्रिकेट भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बधाई देने पहुंच जाए. पाकिस्तान वाले पिछले हफ्ते इसलिए परेशान थे क्योंकि अमेरिका ने उनको हरा दिया, और कल इसलिए परेशान थे कि कहीं अमेरिका भारत को ना हरा दे. इन लोग का ना हमेशा का यही रहता है, फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. लेकिन भला हो मुंबई के सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का, जिन्होंने मुंबई के एनआरआई खिलाड़ियों हरमीत सिंह और सौरभ नेत्रावलकर के इरादे कामयाब नहीं होने दिए और थोड़े गिरते पड़ते ही सही सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर लिया. जाओ पाकिस्तान वालों, तुम भी क्या याद करोगे, समझ लो फादर्स डे से पहले फादर ने गिफ्ट दे दिया तुम्हें. एक काम करते हैं, शुरू से बताते हैं. भारत ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले गेंदबाजी कर लेते हैं. हर्षदीप सिंह ने जिस तरह का पहला ओवर फेंका, ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे में अमेरिका का काम तमाम कर देंगे. पहले ही ओवर में दो विकेट गिरे. अमेरिका वालों को समझ में आ गया था कि भले ही इंडिया पाकिस्तान पड़ोसी है, लेकिन क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है. पावर प्ले के अंदर मात्र 18 रन बने थे अमेरिका वालों के, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने कोरी एंडरसन के साथ मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप करी. नीतीश कुमार को इस मुश्किल पिच पर बैटिंग करके देखकर लोगों को लगा कि काश ये प्लेयर अपने साइड होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार तो कभी भी साइड बदल लेंगे. जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे. फिलहाल पहले 10 ओवर में एवरेज खेल दिखाने के बाद सेकंड हाफ में अमेरिका ने वापसी करी और न्यूयॉर्क स्टेडियम में 110 रन का चैलेंजिंग टोटल बना दिया. अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े ना दोस्तों, हर कोई क्या है ना आजकल बात करता है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, पर बात करने से अच्छा ट्राई किया जाए. लेकिन चलो मैं अगर उतरी, इंडियन टीम का सबसे बड़ा हथियार विराट कोहली फुस पटाखा साबित हुए. 3 मैचों में कोहली की ये दूसरी टक है, बाकी एक में उन्होंने 1 रन बनाया है. किंग लोगों का टाइम सही नहीं चल रहा है, न बाबर का न कोहली का. हालांकि बढ़िया टाइम चल रहा है सौरव नेत्रवलकर का. मैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहूंगा कुछ मामला करके देश के बाहर गया ये टैलेंट देश में वापस खींच के लाइए. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा और आईटी कंपनी वालों को कोड बनाने मिल जाएगा. सही पकड़े हैं. जरा सोचो क्या दिन आया है कि जिंदगी में इस गेंदबाज की कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक ही मैच में आउट कर लिया. और सच बताऊं तो इसी के बाद लेकिन ऐसा लग रहा था कि अमेरिका वाले पाकिस्तान के बाद हमारे साथ कांड कर जाएंगे. लेकिन पिछले मैच में सौरभ नेत्रावलकर के लिए स्टोरी लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया कि सूर्य कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छुप तो सकता है, लेकिन जब शाइन मारेगा तो कोई झेल नहीं पाएगा. सूर्य भाऊ ने इतनी जबरदस्त फाइटिंग 50 मारी है, शिवम दुबे के साथ मिलकर एक हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई और बिना किसी रुकावट की टीम इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई. हालांकि कनाडा से खेलने हम फ्लोरिडा भी जाएंगे, लेकिन वहां पर इतनी बारिश है कि लोगों के 10 दिन से कच्चे नहीं सूखे हैं, मैच तो क्या ही हो पाएगा. लेकिन दोस्तों आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है. सूर्य कुमार यादव की तारीफ से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, चैनल भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. बाकी जाने से पहले बिल्कुल कीजिएगा चैनल भी सब्सक्राइब. और अभी जो है ना किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आप लोगों का बड़े फेवरेट है वो लोग. और देख लेते हैं अब के पाकिस्तानी जो है ना वो कहते हैं ना जली ना जली, अब उनकी जली हुई है तो देखते हैं कैसे जली हुई है. तो लेट्स स्टार्ट. आज जो इंडिया और यूएसए का मैच था, पाकिस्तानी इस पे बड़ा खुश है कि हमें चांस मिल गया. हार जाता कोई भी अनहोनी हो जाती हम बाहर थे. अल्लाह तौबा. आप लोगों ने अपनी जिंदगी में गाना जरूर सुना होगा, बेगानी शादी में
ठीक यही हाल आज पाकिस्तानियों का है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खेल रहे हैं भारत और यूएसए, लेकिन टिकावा कौन है? पाकिस्तान। हालांकि आज पूरा पाकिस्तान पप्पा भारत के लिए दुआएं कर रहा था, सही बात है, हरा भी दिया भारत ने, लेकिन जो विराट के लवर थे उनको आज भी निराशा मिली और हमारे हिटमैन को तो जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। जैसे जैसे गिरते पड़ते हम लोगों ने जीत दर्ज की, इससे भारत को सुपर हिट में पहुंचने के तो रास्ते सारे क्लियर हो गए, लेकिन अभी भी रियायती हरीफ हमारे पाकिस्तान की थोड़ी सी उम्मीदें बाकी है। इस पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, बिना देर के चलते पाकिस्तान। ठीक है जी, आज जो इंडिया और यूएसए का मैच था, पाकिस्तानी इस पे बड़ा खुश है कि हमें चांस मिल गया। बिल्कुल सही बात है, आज इंडिया ने जो परफॉर्मेंस की है, हम आज इंडिया के लिए मैच एक एक बॉल देख रहे थे तो दबाव कर रहे थे। पहले आते साथ तो हमने दिलों पे हाथ रख लिए थे जब कोहली और शर्मा जी चले गए थे। हाँ। और फिर इंडिया ने जो कमाल किया, धमाल किया, मजा आ गया। देखें आज इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि आज अगर इंडिया हार जाता, कोई भी अनहोनी हो जाती, हम बाहर थे। वैसे भी हम दवाओं के भरोसे ही जाते हैं और हर दवा हमारे लिए कुदरत का निज़ाम ही डिपेंड करता है। अपनी मेहनत से, बहुत सॉरी, बड़ी मोहब्बत है मुल्क से, लेकिन हमारा हर दफ़ा ये होता है कि ये हारेगा तो हम जाएंगे। कभी हम अफ्रीका को नीदरलैंड से हराते हैं दवाएं दे दे के, अगलों का बुरा कराते हैं, कभी परफॉर्मेंस पे बहुत कमी है जाते हैं। आज इंडिया की बॉलिंग की बात करो ना, कैसे अमेरिका की फास्ट बॉलिंग को बड़ी हेल्प करने वाली पिचेज हैं और 110 भी डिफेंडेबल है, और वहाँ इंडियन बॉलर उस पिच को कैच कर रहे हैं, और शदीप सिंह की यकीन करें दो ढाई ढाई मीटर की बॉल पर के स्विंग हो रही है। हार्दिक पांड्या की, यही दो प्लेयर थे जिनको आईपीएल में गालियां पा रही थी, और शदीप सिंह को 2022 से गालियां पा रही थी जब पाकिस्तान मैच आ रहा था एशिया कप से, जब इन्होंने कैच छोड़ा था आसिफ अली का। उसके बाद हार्दिक पांड्या को तो आईपीएल में पूरी दुनिया जानती है, कितना ट्रोल किया गया, लेकिन आज की परफॉर्मेंस निकाल दी। शुरू देखिए, तीन मैचेस हो गए इंडिया की तरफ से लिथल परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या और शदीप सिंह। पाकिस्तान के मैच में देख लें, पाकिस्तान इंडिया के मैच में देख लें, उससे पहले बांग्लादेश के वार्म अप मैच, आयरलैंड, आज देख लें, आज कमाल कर दिया और इंडिया ने। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि फिर आगे इंडिया और पाकिस्तान का एक और मैच देखने को मिलेगा, फिर हार देखने को। पाकिस्तान हार गया लेकिन कुछ नहीं होता, आगे फिर देखिए। दोस्तों मैं हमजा के बारे में बताऊँ, जिस दिन मैच होता है उस दिन ये मार्केट में जरूर मिलता है और अपना स्टैंड लेके अपने जो है चैनल के ऊपर ये वीडियो डालता है। इसके चैनल को प्रमोट करें, पाकिस्तान का न्यू टैलेंट है, और मुझे बड़ी खुशी होती है हमजा आप जो है पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे बात करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस ने हमें बहुत ज़्यादा रुलाया था, सुपर ओवर तक हम चीखे मारते रहे पाकिस्तानी कुछ कर लो, बट ये कुछ नहीं कर पाए। इंडिया ने कहा था कि यूएस हमारे लिए बिल्कुल बच्चा है और बच्चे से डरने वाली क्या नहीं। देखिए आज हमने पहले पाकिस्तान को बड़ी गालियां दी थी, लेकिन आज के मैच के बाद पता चला यूएसए कोई टीम है, और नो डाउट आज इंडिया जैसी नंबर वन टीम को ऐसे फंसाना डिजर्व करता है। देखिए पाकिस्तान से मोहब्बत है, यूएसए आगे जाना इस दफ़ा डिजर्व करता है, जैसी लीथल जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दे दिया इस दफ़ा, यकीन करें यूएसए का जाना डिजर्व मेहनत आप मेहनत नजर आ रही, मोहब्बत है अपने मुल्क से, नहीं चाहते कि ना हो, लेकिन यूएसए की जैसी परफॉर्मेंस है वो डिजर्व करते हैं। इंडिया जैसी टीम को फंसा रहा है ये, तो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी फंसा लेगा अगर आगे चला गया। मैं भी आधे इंडियन ही तो है, उसमें भी आधे इंडियन है। देखिए ये पूरी दुनिया की टीम है, दो पाकिस्तानी, चार इंडियन, एक न्यूजीलैंड, एक ऑस्ट्रेलियन, ऐसे टीम बनाइए और डॉलर का कमाल नजर आ रहा है हर जगह। बिल्कुल ऐसे, सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया, उसके साथ साथ जो है पाकिस्तानी उन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा भी मारा है कि भाई जो कह रहे थे कि इंडिया जानबूझकर यूएसए से हार जाएगा, भाई उसकी फिटे मुंह उसकी क्रिकेट पे अगर वो यूएसए से हार जाए, वो दुनिया की नंबर वन टीम है, वो यूएसए से कभी भी नहीं हार सकती थी, वन साइडेड वो जीत गई है। और जिस तरह आज बॉलिंग करी है, मतलब उन्होंने खत्म करके रख दी यूएसए क्रिकेट को, बलखसूस पाकिस्तान के मुंह पर ये भी तमाचा मारा है कि ये वही यूएसए की टीम है जिसने पाकिस्तान को 159 रन चेज किया था, लेकिन उनको सिर्फ 111 रन पे रोका, अगरचे बुमराह ना चला लेकिन अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या बुमराह बन गए, भाई हम जो है हम कमाल पूरा करेंगे। अर्शदीप सिंह ने जो आज बॉलिंग करी, पहली गेंद तो विकेट, फिर एक उसी ओवर में चार टोटल, चार विकेट सिर्फ 9 रन, कितनी मतलब अच्छी इकोनॉमी। और जिस तरह आज बॉलिंग करी हार्दिक पांड्या ने, भाई आज तो यूएसए की टीम को खत्म करके रख दिया। ये यूएसए था जिसने हमें बड़ा रुलाया, सुपर ओवर तक हम दुआएं मांगते रहे और इंडिया ने उसको चुटकी में ऐसे 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 उड़ाया। इंडिया की टीम वो है जो जो टीम पाकिस्तान को रुलाती है इंडिया उसको रुला के रख देता है, इंडिया की टीम के सामने कोई नहीं टिक सकता। क्या बात बोल, यूएसए की टीम बहुत बच्चे हैं भाई, वो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, बड़ी बड़ी टीमों को नहीं छोड़ने वाले। कल जब हम कनाडा से जीते तो नीचे कह रहे थे शुक्र है पाकिस्तानियों आप बच्चों से जीत गए। ऐसी लानत है ऐसी जीत पे कि आपने 18वीं ओवर में जाकर जो है वो रन चेज किए, जहां आपको पता था कि भाई रन रेट जो है आपका इंक्रीज करेगा तभी आप जो आगे जा सकोगे, लेकिन फिर भी आपने डिफेंसिव क्रिकेट खेली, आपने इंडिया वाले मैच से सबक नहीं सीखा था। कल भी मुझे लग रहा था कहीं ये हार ना
आज इस तरह डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे और 18वें ओवर जहां पर 10 ओवर 10 से 9 ओवर के दरमियान टारगेट चेज होने वाला था, आप फिर 18वें ओवर तक लगे, ये हमेशा दूसरी टीम पर डिपेंडेंट रहे हैं। अल्लाह करे आप जो है, इंडिया ने तो हम पर एहसान कर दिया, इंडिया ने हमारे लिए रास्ता एक किस्म का हमवार कर दिया है, लेकिन अब हम भी थोड़ी बहुत गैरत कर लें, शर्म कर लें कि आयरलैंड को बुरी तरह से हराएं। अल्लाह करे कि जो है पाकिस्तान आगे जाए, इंडिया और पाकिस्तान का फिर से सेमीफाइनल हमें देखने को मिले। एक तरफ यूएसए, पाकिस्तान यूएसए से हरा, दूसरी तरफ इंडिया यूएसए से जीत गया जी। काफ़ी शानदार इस मरतबा बॉलिंग रही है, 8 उनकी तकरीबन विकटें गिराई हैं। अगर कल की बात करें, एक दिन पहले मैच की बात करें, तो सारे पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीते और पाकिस्तान आगे जाने की कोशिश करें, तो ये भी बातें कर रहे थे हो सकता है इंडिया जानबूझ के हार जाएगा या पाकिस्तान आगे ना आ सके। सॉरी, ठीक है, मतलब इंडिया के भरोसे हैं, इंडिया पर भरोसे। यो वाहिद, वो कल मैं देख रहा था, हैरान भी हो रहा था कि दुआएं की जा रही इंडिया जीते, हमेशा हम दुआ करते आ रहे कि इंडिया हारे, कल दुआ कर रहे थे इंडिया जीते। हाँ। तो भाई मैं पहले भी कह रहा था, इंडिया ने अपने आप के लिए खेलती है, अपनी पब्लिक के लिए खेलती है, अपनी आवाम के लिए खेलते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते कोई टीम ऊपर आ रही है, हमारे जीतने से या हारने से वो इस चीज से मैटर नहीं करते। हाँ। वो अपने आप के लिए खेलते हैं। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो कितनी इंतहाई गंदी तरीन, सारे के सारे मैच हारते आ रहे। कल देखा कोई खुशी हुई, कितने पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लिया आपने भी, और मैं देख भी रहा था कि जरा सी भी खुशी नहीं हुई, सब ये कह रहे थे जीत के पहाड़ दे दिया। अगर 120 स्कोर कनाडा कर लेता तो पाकिस्तान की हार पक्की थी, बिल्कुल पक्की थी। देखिए 17 ओवर तक खेल रहे थे, 106 का टारगेट नहीं चेज हो रहा था। पूरे वर्ल्ड कप की छोटी टीम में सबसे छोटी, गूगल भी बता रहा था, बच्चों से गूगल भी पहले बता रहा था 92% खेलने से पहले बता रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो क्या 5-10 स्कोर और ज्यादा मार देते तो पाकिस्तान ने वो भी मैच हार जाना था। इंडिया की शानदार तरीके से देखा, चौथा मैच इंडिया ने खेला, वो मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के 3 मैच खेले, तीनों के तीनों विन कर चुके। आप 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, इसी तरह सबके सब मैच विन करते आ रहे, एंड पे बैड लक चला कि ऑस्ट्रेलिया सारे, वो एक अलहदा बात है। इसी तरह इस मरतबा भी सबके सब मैच जीत। सर ये बताएं कि जो है अर्शदीप सिंह ने जो आज 4 विकेट्स ली हैं और सिर्फ जो है 9 स्कोर आप पे, तो आप क्या कहेंगे कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग, सिर्फ 9 स्कोर। ये देखिए अर्शदीप सिंह ने काफी अच्छी बॉलिंग की, इंडिया के पास एक से बढ़कर एक बॉलर है। पीछे पाकिस्तान के खिलाफ कौन चला था, बुमराह, कितनी अच्छी बॉलिंग की, मैच खींच के ले लिया, पाकिस्तान जीता हुआ मैच पाकिस्तान खींच के ले लिया एक बॉलर ने। आज आप देख ले, इसने एक से बढ़कर एक बॉलर, एक से बढ़कर एक बैटिंग करने वाला, एक नहीं चलता तो दूसरा चलता, दूसरा नहीं तो तीसरा चलता। ये इंडियन टीम मुकम्मल टीम है, पाकिस्तान की तरह टीम नहीं है कि 2 आउट हुए फिर लाइनें लग जाती हैं। बहुत कमाल शानदार परफॉर्मेंस है इंडिया की, वर्ल्ड क्लास टीम है। देखिए बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्ड बहुत अच्छा है, उसके अलावा कैप्टनसी लीडरशिप है उसके अंदर, और उनका जो है अपना इंस्टीट्यूशन इंडियन का वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और टीम सेट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, ओवरऑल लाइट चली गई लेकिन फिर भी सारे प्लेयर्स टीम वर्क है, तो डेफिनेटली जी परफॉर्मर्स हैं। आपको नहीं लगता हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस यूएसए हम हारे और इंडिया ने इस यूएसए को चुटकियों में फारिग कर दिया? वेल नहीं, देखे जीने का दिल तो हर किसी का करता है, हार जीत गेम का हिस्सा है, मरने की बात नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, क्रिकेट आपको पता है लास्ट बॉल तक एक अनसर्टेन गेम है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेटजी, आपका डिसीजन, आपकी लैंडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। आपके ये जेस्चर्स आपके बता रहे होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो हमारा जो पाकिस्तान का यूएस के खिलाफ था वो तो ऑफकोर्स आई वुड से दैट वॉज इवन बिलो द पॉवर्टी और बिलो द जीरो लाइन आप कहें। यार पाकिस्तानी लोग जो है ना वो इंडियन टीम से बिल्कुल खुश नहीं है, और रही बात कनाडा से, ये परसों कल परसों जीते हैं ठीक है, और वो भी कोई इतना, वो कहते बच्चे वाली टीम थी ठीक है, और उसपे भी जो है ना बड़ा कहते ना खेंच खेंच के कोई बंदा जीता है, वो बात हुई है, काफी इनको उनसे भी स्ट्रगल करनी पड़ी है। आगे जो है हम लोगों को फिर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है कि नजर आए, क्योंकि जैसे हालात लग रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा से होगा, और हमारी लाइट भी जा चुकी है, क्या करें, पाकिस्तान के अंदर आजकल इतनी लोड शेडिंग हो रही है, मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज बोलती हूँ, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। और अभी आप लोगों ने देखा किस तरह जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस पर भी जो है वो गुस्से में है, और वो कह रहे हैं कि भाई यूएसए से तुम लोग हारे थे ठीक है, लेकिन इंडिया तो यूएसए से, हालांकि यूएसए ने काफी हद तक टफ टक्कर जो है वो दी है
ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी जो है वो कल काफी पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे थे कि जो है वो इंडिया ही जीते, यूएसए आगे ना जाए। लेकिन भाई इंडिया, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि सुपर पावर है भाई इंडिया, और उनकी टीम के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलेगा इस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अब जब लाइट आएगी ना मैं दोबारा वीडियो कोई और बनाऊंगी। तो बाय बाय गाइस।